ये टिकट मेरी इसलिए कटी कि मैं साधारण परिवार में जन्म लिया है। मेरी टिकट इसलिए कटी कि मेरा मामा नाना दादा दादी कोई मंत्री नहीं है। जैसे अभी मंदिर को घेरने के लिए कुरुक्षेत्र में जो अपने आप को बड़े बड़े योद्धा कहते थे, वो एक छोटे से बच्चे को घेरने के लिए सब इकट्ठे हो गए थे, ऐसे आज ही अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं और इस छोटे से बच्चे से घबरा गए। अगर ये इतने ही बड़े नेता हैं, तो अपने बेटा बेटी को जनता की टिकट पर चुनाव लड़ा कर दिखाए, अपनी औकात उनको पता लग जाएगी। टिकट ही इतनी बड़ी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दलदल की ठोकर खा रहा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नॉमिनेशन करने गया, ये पत्रकार छायाकार साथी आए हुए हैं, ये बता देंगे कि आपसे 1% भी अगर आप जितनी उनकी संख्या हो तो आज हम चुनाव से फिर वापिस चले जाएंगे। भाजपा में टिकट न मिलने से नाराज प्रशांत सनी यादव ने आज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रेवाड़ी विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन भरने से पहले शहर के ब्रास मार्केट में एक जनसभा का आयोजन भी किया, अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठा होकर सनी यादव जिला सचिवालय पहुंचते हैं, अपना नामांकन भरते हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए सीधा भाजपा पर कटाक्ष करते हैं। सनी यादव का कहना है कि भाजपा ने उन्हें टिकट इसलिए नहीं दी क्योंकि वे एक छोटे आम परिवार से आते हैं, उनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। इसके अलावा वे रेवाड़ी से भाजपा उम्मीदवार पर भी कटाक्ष करते हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा सर्वे में सबसे ऊपर जो आएगा हम उनको टिकट देंगे। ये प्रशांत सनी यादव के साथ धोखा नहीं हुआ। ये आप सब जो मध्यम परिवार में जन्मे हैं, ये आप सबके साथ धोखा हुआ है साथियों। ये टिकट मेरी इसलिए कटी कि मैं साधारण परिवार में जन्म लिया है। मेरी टिकट इसलिए कटी कि मेरा मामा नाना दादा दादी कोई मंत्री नहीं है। मेरी टिकट इसलिए कटी कि मेरे पास इनके मुंह भरने के लिए पैसे नहीं थे। अगर मैं एक भी बात गलत बोल रहा हूँ तो मैं साबित करके दिखा सकता हूँ आपको। इनने सबके साथ धोखा किया है। मध्यम वर्ग को इन्होंने छेड़ा, नौजवानों को इन्होंने छेड़ा, गौरक्षकों को इन्होंने छेड़ा। और आपसे ये कह रहा हूं, अगर आज आप सब इकट्ठे नहीं हुए, जैसे अभी मंदिर को घेरने के लिए कुरुक्षेत्र में जो अपने आप को बड़े बड़े योद्धा कहते थे, वो एक छोटे से बच्चे को घेरने के लिए सब इकट्ठे हो गए थे, ऐसे आज ही अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं और इस छोटे से बच्चे से घबरा गए। मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, अगर इनमें इतनी बड़ी ताकत है तो ऐलान करता हूं आज इस मंच से, ये प्रशांत सनी यादव ने तो संकल्प लिया है आप सबकी सेवा करने का और मैं करता रहूंगा। अगर ये इतने ही बड़े नेता हैं, तो अपने बेटा बेटी को जनता की टिकट पर चुनाव लड़ा कर दिखाए, अपनी औकात इनको पता लग जाएगी, इनकी हैसियत इनके सामने आ जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर टिकट मेरी इतनी बड़ी ताकत होती, टिकट ही इतनी बड़ी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दर दर की ठोकर खा रहा है। आज सब आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हो, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नॉमिनेशन करने गया, ये पत्रकार छायाकार साथी आए हुए हैं, ये बता देंगे कि आपसे 1% भी अगर आप जितनी उनकी संख्या हो तो आज हम चुनाव से फिर वापिस चले जाएंगे। इस लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये सब आपको बहकाएंगे, आपको गुमराह करेंगे। पिछले चुनाव में भी इन्होंने ये कहा कि प्रशांत सनी यादव ने उससे पैसे ले लिए, प्रशांत सनी यादव ने उसका समर्थन कर दिया। मैं तो आपके बीच में बड़े खुले मन से कहता हूं, हमारे पहलवान जी सत्य पहलवान जी मेरे पिताजी के साथ नौकरी करते थे, ये यहां बैठे हैं। अगर मेरे पिताजी ने किसी से 1 रुपया
रुपया रिश्वत ली हो तो ये खड़े होकर आज मेरे सामने कहे, मैं आज इस मंच को छोड़कर अपने घर वापिस चला जाऊंगा। तो मैंने भी ये संकल्प लिया है, जब मेरे दादा दादी ने कभी किसी से, मेरे पिताजी ने किसी से एक रुपया रिश्वत नहीं ली, तो मैं उस स्कूल को पैसा लेकर क्यों बदनाम करूंगा। आप मेरा विश्वास करें कि हमें सिर्फ इसलिए बदनाम करते हैं कि हम गरीब हैं। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जैसे ही आप सुबह से डीजे ढोल नगाड़ों के साथ इकट्ठा हुए थे, बड़े बड़े नेताओं के फोन आने लग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बताइए भाई आपको क्या चाहिए। अरे भाई को कुछ नहीं चाहिए, इस इलाके की जनता को इस इलाके के विकास के लिए एक टिकट चाहिए थी, वो आपने दी नहीं। कोई हमें खरीद नहीं सकता, आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप प्रशांत सनी यादव को, इस इलाके की जनता को खरीद सको। ये कि मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरी टिकट काटी तो उस दिन फैसला लिया था कि पंचायत में जो निर्णय होगा वो माना जाएगा, और जब ये टिकट कटी तो इस इलाके में बहुत भारी रोष पैदा हुआ। जनता जनार्दन ये चाह रही थी कि प्रशांत सनी यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। 8 तारीख की महापंचायत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट काट दी, हमें दिल से कैसे काट पाओगे। उन्होंने कहा कि हम पार्टी की नहीं जनता की टिकट आपको देते हैं और आप चुनाव लड़े, तो उस फैसले को साक्षी मानकर आज मैं नॉमिनेशन किया। और आज ये जनता जनार्दन ने यहाँ आकर दिखा दिया कि जो बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि हम बड़े नेता हैं, वो पंडाल लगाने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। और हमें तो सिर्फ 2 दिन का समय मिला था और हमने आपके सामने पंडाल लगाकर, जनसभा कर और यहाँ पैदल मार्च कर इस जनता ने साबित किया कि इन जनता इन सब को नकार चुकी है। और अब जनता की टिकट का उम्मीदवार प्रशांत सनी यादव विजय होकर इस इलाके के अहिरवाल की सेवा करने का काम। क्या संदेश दे रहा है शक्ति प्रदर्शन, जिस तरीके से सड़कों पे एक भारी सैलाब देखने को मिला? देखिए राजनीति में शक्ति प्रदर्शन कई बार मजबूरी लगा लीजिए या कई बार जनता का प्रेम लगा लीजिए, कि जनता जब प्रेम में उफड़ के आती है तो आप उसको सैलाब को रोक नहीं पाते। और मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का सैलाब ये सिर्फ नॉमिनेशन तक नहीं, ये सैलाब जब तक मशीन में 5 बजे शाम तक ये वोट ना डाल दें, ऐसी सुनामी जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन आने वाली है। ये सब नेताएं अपने घर में चले जाएंगे, बड़े बड़े घरानों को जब रिजल्ट आएगा ताले लगने वाले। एक तरफ भाजपा कांग्रेस आप पार्टी मैदान में, एक तरफ निर्दलीय सन्नी यादव। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैंने जनता ने जो फैसला किया, मैं कभी जनता के फैसले को ना कभी आगे टाला है ना कभी अभी टाला है, और ना मैं आज प्रण लेता हूँ कभी पहले टाला ना आगे कभी टालूंगा। और जनता ने फैसला लिया कि जनता की टिकट पर चुनाव लड़ो, सबसे बड़ी टिकट जनता की टिकट। मुकाबले की बात करें क्योंकि अब लगभग पर्चे भरे जा चुके हैं, मुकाबला क्या मानकर चल? देखिए मुकाबला तो मेरा और कांग्रेस की प्रत्याशी का रहेगा, और ये जिस तरीके से आज जनता का प्यार मैं देख रहा हूँ, मेरे को लगता है कांग्रेस का प्रत्याशी भी बहुत पीछे चला जाएगा। एक राव इंद्रजीत लगातार उसके खिलाफ ये बोला जा रहा है कि वो उन्होंने सबकी टिकट कटवा दी, जैसे संतोष यादव ने भी कहा, तमाम ऐसे हर विधानसभा में ऐसा था, आप क्या मानते हैं कि आप? देखिए मैंने बड़े खुले मन से कहा है कि ये टिकट मेरी कटी नहीं, काटी गई है। किसी ना किसी नेता ने इस अहिरवाल की जनता को प्रेम प्रशांत सनी यादव के साथ देखते हुए, और मैं ये नहीं कह रहा एक नेता, इसमें मेरे को लग रहा है सभी दल के नेता शामिल हैं कि इस प्रशांत सनी यादव की टिकट काटो। इनको पता है कि पहले टिकट काट ली तो आधा रास्ता साफ हो जाएगा, और इन्होंने सबने मिलकर मेरी टिकट काटी। जिस दिन भी मेरा सबके इनका दोगला चेहरा मेरे सामने आएगा, मैं आपके सामने रखने का काम। मुद्दे क्या है? तमाम लोग कहते हैं कि मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? देखिए मुद्दे मैं जितने गिनवाने लगूं, अगर मैं इस समस्या गिनवाने लगूं तो दीवारें कम पड़ जाएगी। मेरा मुद्दा ये है, मेरा संकल्प ये है कि जिस तरीके से नौजवान आज हताश और परेशान है, चाहे वो अपने रोजगार को लेकर, चाहे खिलाड़ी अपनी जो एकेडमी है उनकी सुविधाएं हैं वो मिलने को लेकर, और जो कोई मेरा जैसा नौजवान राजनीति में है वो हताश है। मैंने आज सभा में भी संकल्प लिया कि अगर आपके इस बेटे आपके भाई को आप मजबूत बनाते हो तो जिस तरीके से मैं आज तड़फा हूँ, अगर कोई भी योग्य बच्चे चाहे किसी भी वो फील्ड में है, मैं उसको तड़फने नहीं दूंगा। उसको घर बैठे उसकी उस संस्था का, चाहे वो राजनीति में है चाहे खेल के मैदान में है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। यही हमारा संकल्प है कि कोई बच्चा आगे हमारी तरह तड़पे ना अपने बात के। ठीक है जी।